हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में प्रत्येक एकादशी का अपना खास महत्व होता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदायी एकादशी कहलाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है और संतान के संकटों से रक्षा भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल 2023 में पौष पुत्रदायी एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और पुत्रदायी एकादशी व्रत के नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से तो आधा ही लाभ मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी महीनों का विशेष महत्व है और उन्हीं में से एक महीना है पौष का महीना, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ का अपना अलग महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में मनाए जाने वाले व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि पौष के महीने के जो भी व्रत होते हैं बहुत ही खास माने जाते हैं और उन्हीं में से एक है एकादशी का व्रत। ऐसा माना जाता है कि पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं और हर एक महीने में दो एकादशी तिथियां मनाई जाती हैं। इन सभी का अपना अलग अलग महत्व है और पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदायी एकादशी कुछ खास ही होती है। इस दिन जो भी भक्त व्रत करता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी के व्रत को संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले विवाहित जोड़े, शादीशुदा जोड़े के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके विवाह को काफ़ी समय हो गया है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस व्रत को नियम और विधि विधान से करें तो जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस व्रत को करने वालों को संतान के स्वास्थ्य का भी सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपकी नौकरी में चली आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और ऐसा माना जाता है कि जल्दी ही विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और इसी वजह से पौष पुत्रदायी एकादशी को शास्त्रों और हिंदू धर्म में विशेष रूप से बताया गया है कि इस व्रत को करने से जो भी मन की इच्छा है, जो भी परेशानियां हैं, वो सभी दूर होती हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं लेकिन आने वाले नए साल 2023 में पहला व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदायी एकादशी का है। इस दिन भगवान विष्णु की
शास्त्र सम्मत विधि से पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में यानी कि आने वाले नए साल 2023 में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा और ये जो व्रत है 2 जनवरी सोमवार के दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी शाम के 7:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी रात्रि के 8:23 पर। इसलिए जो व्रत है वो 2 जनवरी सोमवार के दिन व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण जो है वो 3 जनवरी प्रातःकाल 7:14 से प्रातःकाल 9:19 तक किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। 3 दिन इस व्रत के नियम चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर के व्रत पूजन स्थल पर भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में भगवान को धूप दीप नैवेद्य तुलसी के पत्ते पीले फूल अर्पित करें और यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत कर रहे हैं तो जोड़े में ही पूजन करें। इस व्रत का संकल्प दोनों लें और जोड़े में पूजन करें। पूरे दिन व्रत का पालन करें और फलाहार सेवन करें। इस दिन आप गठबंधन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दीपक जलाएं और इसके बाद व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान विष्णु के 40 का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान देकर विदा करें। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के नियम। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो जो भी व्रत रखता है तो उसे 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए यानी कि प्याज लहसुन वाला भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें और एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे कि अभी मैंने बताया कि बासी भोजन का सेवन ना करें, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इसके अलावा आप एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपने सामर्थ्य के मुताबिक ब्राह्मण या गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करें। इस दिन आप चावल का सेवन ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें क्योंकि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और इसलिए आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, लेकिन तुलसी के पास दीपक जला करके पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें क्योंकि कथा पढ़े बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा।
इसलिए कथा का खास महत्व होता है व्रत में। तो व्रत की कथा पढ़ना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी पर क्या करें। दोस्तों, साल में दो बार पौष माह का पौष पुत्रदा एकादशी आती है, एक बार पौष के महीने में और दूसरा सावन के महीने में। तो साल में दो बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान की रक्षा और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के लोटे में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होगी और पीले वस्त्र पहनकर श्री हरि की पूजा करें। पीले वस्त्र भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय हैं, पीला रंग बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की शाम को तुलसी की जड़ में, तुलसी के पास, मतलब तुलसी के जहाँ आपने तुलसी का पौधा स्थापित किया है वहाँ पर घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से संतान पर आने वाला संकट टल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।